हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू बी एन आईएएस। तो टेस्ट सीरीज़ में हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज 40 क्वेश्चंस और जीएस के बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से करना है। उससे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, राइट टू लाइफ कौन से आर्टिकल में है? राइट टू लाइफ का आर्टिकल बताइए, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसका आर्टिकल क्या है? निजता का अधिकार का अनुच्छेद क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन रिलेशन टू इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। अ मास मूवमेंट फॉर एनवायरमेंट हैज़ बीन स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ लाइफ। विद द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इंडिया विल बिकम सेल्फ रिलियंट इन एनर्जी मैटर्स बाय द ईयर 2047। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ इंक्रीज टू 9.3% इन द ईयर 2021-2022। अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, अबाउट 82.4 करोड़ बेनिफिशियरीज विल गेट फ्री फूड ग्रेन्स फॉर 1 ईयर। इसमें हमको करेक्ट फाइंड आउट करना है, करेक्ट क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, मींस फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं वो करेक्ट हैं। थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, बिकॉज ये जो ईयर है ये 2021 और 2022 नहीं, 2020 से 21 का है, 2020 से 21 का है। नेक्स्ट, अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, अबाउट 81.4 करोड़ बेनिफिशियरीज, नॉट 82.4, 81.4 करोड़ बेनिफिशियरीज। दैट्स वाई दीज टू स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। इंडिया हैज़ एक्सप्रेस्ड इट्स रिजॉल्व टू अचीव जीरो एमिशन बाय द ईयर 2035। अबाउट 11.3 करोड़ फार्मर्स हैव बीन कवर्ड अंडर दिस स्कीम इन अप्रैल जुलाई 2022-23 पेमेंट साइकिल ऑफ पीएम किसान। India's e-commerce market is expected to grow at the rate of 18% every year till 2028. India has become the largest recipient of remittances worldwide by receiving $100 billion in the year 2022. Correct answer find out karna hai, to iska correct answer hai option number B, means statement second correct hai aur statement fourth correct hai, first aur third jo hai wo wrong hai. So first aur third kyun wrong hai? Because India ne express kiya hai zero emission by the year 2070, not 2035. तो इस वजह से ये रॉन्ग है। और थर्ड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये ईयर 2025 है, ना कि 2028 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन्स ग्लोबली। इन 2021 इंडिया वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स एंड द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द पैसेंजर व्हीकल्स। In December 2022, India is said to become the third largest automobile market in terms of sale, surpassing Japan and Germany. The value of agri-food exports, including processed food exports, was about 10.9% of India's total export during 2021-2022. So, which are the correct ones? So, option number D is right. All the four statements are correct. Next, question number 104. Choose the incorrect option. We have to find out incorrect here. There are three statements given. Advanced Produce Varieties Distribution Program was started from Govind Vallabh Pant University of Agriculture and Technology, Patna Nagar, located in Udham Singh Nagar district of Kumaon division of Uttarakhand state. Grim Revolution term was coined by Dr. William Godd in 1968 to describe a process that leads to improved agricultural productivity. Chidambaram Subramanyam is known as the political father of Green Revolution. Option number D hai, none of these. So which is the incorrect option in all of these? सो इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, मीन्स सारे ही सही हैं, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च इन 1951, मेनली फोकस्ड ऑन प्राइमरी सेक्टर डेवलपमेंट। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन हैरोड डॉमर मॉडल विद सम मॉडिफिकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से मॉडल पे था फर्स्ट 5 ईयर प्लान। द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज फॉर्म्ड ऑन August 6, 1952 and was primarily tasked with approving 5 year plans. In this you have to find out the correct answer. So correct kaun kaun sa hai? So option number D jo hai wo right hai because all the three statements are correct. Next we will see question number 106. Consider the following statements. National Statistics Day is celebrated every year on June 23rd on the birthday of PC Mahalanobis. Second, the merger of Planning Commission and Finance Commission has been suggested by MV Mathur. All aspects related to national income in India are calculated by the Central Statistical Organization. So, क्या find out करना है? Correct option find out करना है. तो इसका correct answer हो जाएगा option number B, means second and third statements जो है वो correct हैं. First statement जो है वो wrong है, because June 23rd नहीं, June 29 को National Statistics Day मनाया जाता है on the birthday of PC Mahalanobis.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, चूज द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है. फेमस बुक्स हैं और रिलेटेड ऑथर्स दिए हुए हैं. द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस है एडम स्मिथ की, तो ये रॉन्ग है. दास कैपिटल ये कार्ल मार्क्स की है. ओनली दिस इज करेक्ट. वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ. प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल. फाउंडेशंस ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस पॉल सैमुएलसन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर बी, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट अपडेटेड एग्रीकल्चरल डेटा 2023, द टॉप स्टेट विद पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इज पंजाब. अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिस्टिक्स 2022, द टॉप स्टेट इन मिल्क प्रोडक्शन इज राजस्थान. अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ उत्तर प्रदेश बजट 2023-24, द टॉप स्टेट इन मिल्क प्रोडक्शन इज उत्तर प्रदेश. अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एग्रीकल्चरल डेटा 2023, द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इज 440 ग्राम्स पर डे एट नेशनल लेवल. सो करेक्ट फाइंड आउट करना है. इसमें से करेक्ट है ऑप्शन बी, मीन्स 1, 2, 3 जो है वो करेक्ट है. ऑप्शन नंबर 4 जो है वो रॉन्ग है, बिकॉज 448 ग्राम्स नहीं, 444 ग्राम्स पर डे की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है नेशनल लेवल पे मिल्क की. नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 109, विच प्लेस हैज बीन गिवन टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ द हाइएस्ट बर्थ रेट एज पर द रिपोर्ट ऑफ सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन मे 2022. फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीन्स सेकेंड प्लेस मिला है. हाइएस्ट बर्थ रेट है बिहार की विद 25.5, सेकेंड है उत्तर प्रदेश की 25.1 एंड थर्ड मध्य प्रदेश 24.1. और लोएस्ट बर्थ रेट है वो है गोवा की 12.1%. नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 110, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेंसस ऑफ 2011. टोटल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया 73%, रूरल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया 67.8%, अर्बन लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया 84.1%, मेल लिटरेसी रेट इन इंडिया 80.90%. वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मीन्स ऑल द 4 आर करेक्ट. सो दिस इज द डेटा एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड लर्न दिस. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस डेटा, उत्तर प्रदेश हैज द हाइएस्ट रूरल पॉपुलेशन. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस डेटा, द सेक्स रेशियो इन द सिख कम्युनिटी ऑफ इंडिया इज द लोएस्ट. According to 2011 census, the state of West Bengal is the state with the highest population density in India. The World Population Day is celebrated every year on 22nd July. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मीन्स फर्स्ट और सेकेंड जो है वो करेक्ट है. थर्ड और फोर्थ जो है वो रॉन्ग है. थर्ड क्यों रॉन्ग है? बिकॉज हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बिहार की है, ना कि वेस्ट बंगाल की है. दैट्स वाई थर्ड रॉन्ग. और फोर्थ क्यों रॉन्ग है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 11th जुलाई, नॉट 22nd जुलाई. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एनर्जी स्टेटिस्टिक्स डेटा 2021 एज ऑन 31st August 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द हाइएस्ट कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ रीजन वाइज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटीज इन 2022. तो इसमें हमको बताना है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है यूटिलिटीज के मामले में कहाँ पर जो है हाइएस्ट कंट्रीब्यूशन था. तो ऑप्शन नंबर ए, मीन्स वेस्ट हो जाएगा. सेकेंड नंबर पे आएगा साउथ, थर्ड नंबर पे आएगा नॉर्थ, फोर्थ पे आएगा ईस्ट और सबसे लास्ट में आएगा नॉर्थ ईस्ट. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च कराईकुडी तमिलनाडु, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च नागपुर महाराष्ट्र, सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद झारखंड. तो इसमें आपको करेक्ट फाइंड आउट करना है. तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है. सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च ये नागपुर महाराष्ट्र में है. सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कराईकुडी तमिलनाडु में है. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च ये धनबाद झारखंड में है. और सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये देहरादून यानी कि उत्तराखंड में है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, द एज ग्रुप फ्रॉम डैश इन द पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन इज कॉमनली नोन एज द डिपेंडेंट पॉपुलेशन. डिपेंडेंट पॉपुलेशन किसकी है? तो 0 से 14 ईयर्स ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन होता है. ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा. चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द 20th लाइव स्टॉक सेंसस 2019. सो लाइव स्टॉक्स दिए हुए हैं और टॉप स्टेट्स दिए हुए हैं, तो हमको बताना है, मैच करना है. लाइव स्टॉक मध्य प्रदेश, पोल्ट्री फार्मिंग तमिलनाडु, कैटल वेस्ट बंगाल, बुफेलो उत्तर प्रदेश. तो इसका राइट आंसर है, मीन्स जो इनकरेक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइव स्टॉक में उत्तर प्रदेश होगा ना कि मध्य प्रदेश होगा. देन पोल्ट्री फार्मिंग तमिलनाडु इज करेक्ट, कैटल वेस्ट बंगाल इज करेक्ट, बुफेलो उत्तर प्रदेश इज करेक्ट. इन कैटल फार्मिंग वेस्ट बंगाल इज टॉप स्टेट एंड सेकेंड इज यूपी.
नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 116. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द उत्तर प्रदेश सेंसस 2011. मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज. डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट गौतम बुद्ध नगर. डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी गाजियाबाद. डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो जौनपुर. तो इसमें करेक्ट फाइंड आउट करना है तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी. मीन्स ऑल द फोर आर करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डेटा. यू कैन लर्न दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117. चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. मेंबर कंट्रीज ऑफ बिम्स्टेक आर बांग्लादेश भूटान इंडिया म्यांमार नेपाल श्रीलंका थाईलैंड. सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक इज श्री इंद्रामणि पांडे. फिफ्थ बिम्स्टेक समिट वॉज हेल्ड इन 2022 एट कोलंबो श्रीलंका. इन द ईयर 2023 मार्क्स द 25th ईयर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिम्स्टेक. तो इसमें से इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है तो इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर डी. और ये क्यों इनकरेक्ट है? बिकॉज 2022 जो है ये ईयर है 25th ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिम्स्टेक, ना कि 2023. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ललित कला अकेडमी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय जवाहरलाल नेहरू. द इंडियाज फर्स्ट नेशनल अकेडमी फॉर म्यूजिक डांस आर्ट एंड ड्रामा संगीत नाटक अकेडमी हैज बीन सेट अप ऑन 31st May 1954 बाय रेजोल्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. तो इसमें करेक्ट फाइंड आउट करना है तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी. मीन्स नन ऑफ दीज आर करेक्ट. सो जो ललित कला अकेडमी है वो उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 5th August को 1954 में न्यू दिल्ली में. दिस इज रॉन्ग. एंड देन सेकेंड क्यों रॉन्ग है? बिकॉज संगीत नाटक अकेडमी जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 31st May 1952 को, ना कि 1954 को. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सिंधी लैंग्वेज वॉज रिकोगनाइज इन द ईयर 1967 इन सम एरियाज ऑफ गुजरात राजस्थान एंड महाराष्ट्र. संथाली लैंग्वेज वॉज रिकोगनाइज इन द ईयर 2003 इन सम एरियाज ऑफ झारखंड बिहार एंड वेस्ट बंगाल. द होल तासो दुकानाराम अ टाइप ऑफ गेम प्लेड इन मणिपुर एनिमल्स आर इमिटेटेड. तो इसमें करेक्ट फाइंड आउट करना है तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए. मीन्स फर्स्ट और सेकेंड जो है वो करेक्ट है और थर्ड जो है वो रॉन्ग है. बिकॉज ये जो होलोसो गेम होता है ये मणिपुर में नहीं अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है या फिर प्ले किया जाता है. नेक्स्ट मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन. गोंधाल इसको मैच करना है तो गोंधाल जो है वो महाराष्ट्र, ये करेक्ट है. देन वारी लीबा मणिपुर का है. देन पदायनी ये केरला का है और लाहो जो है ये मेघालय का है. तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैड डिक्लेयर्ड द उर्दू लैंग्वेज एज द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट बाय द ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट 1989 इन द ईयर 1991. उत्तर प्रदेश स्टेट आर्काइव्स वॉज एस्टैब्लिश्ड इन प्रयागराज इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस इन द ईयर 1949. थर्ड इन 1973 द हेडक्वार्टर्स ऑफ द उत्तर प्रदेश स्टेट आर्काइव्स वॉज शिफ्टेड टू लखनऊ एंड द ऑफिस एट प्रयागराज वॉज डिमोटेड टू द स्टेटस ऑफ रीजनल आर्काइव. तो इसमें करेक्ट फाइंड आउट करना है तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी. मीन सेकेंड और थर्ड जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट जो है वो रॉन्ग है क्योंकि ये अमेंडमेंट एक्ट भी 1989 में हुआ था और उसका ईयर भी 1989 ही था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द 10th एग्रीकल्चरल सेंसस 2015-2016. अ फार्मर हैज ओनली 3 hectares ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड विल बी पुट इन द कैटेगरी ऑफ सेमी मीडियम फार्मर. A farmer has only 7 hectares of agricultural land will be put in the category of medium farmer. A farmer has only 9 hectares of agricultural land will be put in the category of large farmers. तो इसमें से करेक्ट फाइंड आउट करना है तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. मीन्स फर्स्ट और सेकेंड जो है वो करेक्ट है, थर्ड जो है वो रॉन्ग है. थर्ड क्यों रॉन्ग है? बिकॉज लार्ज फार्मर के लिए 10 हेक्टेयर या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए. मार्जिनल फार्मर्स के लिए लेस देन 1 hectare. स्मॉल फार्मर्स के लिए 1 से 2 hectare. सेमी मीडियम के लिए दिया ही हुआ है 3 hectare या फिर 2 से 4 के बीच में. मीडियम के लिए 7 या फिर 4 से 10 के बीच में इट इज़ ओके. और लार्ज फार्मर्स 10 hectares और मोर, ना कि 9 hectares. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. क्रॉप्स दिए हैं और रिलेटेड डिजीजेज दी हैं. तो सिसेम में कौन सी डिजीज़ होती है? तो वो होती है फाइलोडॉली डिजीज़. ये फंगल डिजीज़ है तो ये करेक्ट है. ओकरा या फिर पपाया में येलो मोजैक डिजीज़ होती है, टिक्का डिजीज़ नहीं होती है. वीट और बार्ली में मोलिया डिजीज़ होती है, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट. और टोमेटो में बुकी रॉट डिजीज़ होती है, ये भी करेक्ट है. तो 1, 3, 4 करेक्ट है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. 1, 3, 4 आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, फ्रूट्स वेजिटेबल्स दिए हैं और उनसे रिलेटेड एसिड्स दिए हुए हैं, बटर ब्यूट्रिक एसिड, ऑरेंज एंड लेमन सिट्रिक एसिड, रेप सीड ऑयल ऑक्सैलिक एसिड, रूबर्ब यूरिसिक एसिड। तो इसमें से करेक्ट फाइंड आउट करना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मींस फर्स्ट और सेकंड जो है वो करेक्ट है, थर्ड और फोर्थ वो रॉन्ग है, बिकॉज रेपसीड ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल में जो होता है वो यूरिसिक एसिड होता है और रूबर्ब कैबेज और स्पिनाच में होता है ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ये कहाँ पे है, तो ये कानपुर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी। तो करेक्ट फाइंड आउट करना है, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीन्स ऑल फोर आर करेक्ट एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यू कैन लर्न दैट। क्वेश्चन नंबर 126, फोर ऑप्शन हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच थ्री आर अलाइक इन सम मैनर वाइल वन इज डिफरेंट, चूज द ऑड वन। तो अभी यहाँ से स्टार्ट हो गया है रीजनिंग, तो यहाँ पे चार दिए हुए हैं, तीन एक तरह के हैं और एक अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज डी का जो नंबर होता है वो फोर होता है, जी का सेवन होता है, इसको मिला देंगे तो इलेवन हो जाएगा, एफ का सिक्स होता है प्लस ई का फाइव होता है, तो इसको भी ऐड करने पे इलेवन हो रहा है, आई का नाइन होता है, बी का टू होता है, इसको भी ऐड करने पे इलेवन हो रहा है, बट ई इज फाइव प्लस जी इज सेवन, ये ट्वेल्व हो रहा है, दैट्स वाई दिस इज डिफरेंट, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127, इसमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, तो 23, 16, 52 दिया हुआ है, 26, 17, 15 दिया हुआ है, 29 फिर उसके बाद फाइंड आउट करना है और 18, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 26। ये कैसे हो जाएगा, इसमें देखते हैं कि 16 कैसे आया, तो जो नंबर दिया है 2 और 3, इसको मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हो गया 6, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किया 5 और 2 को, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 10, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया तो 16 हो गया। सिमिलरली यहाँ 6 टू ज़ा 12 प्लस 5 वन ज़ा 5, तो 17 आ गया, तो सिमिलरली यहाँ भी करना है 18 प्लस 8, तो 18 प्लस 8 हो जाएगा 26, इसलिए बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, फोर वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच थ्री आर अलाइक इन सम मैनर वाइल वन इज डिफरेंट, चूज द ऑड वन, इंडिया टाइगर, चाइना जायंट पांडा, पाकिस्तान मार्कोर, श्रीलंका टाइगर। तो यहाँ पे नेशनल एनिमल्स दिए हैं कंट्रीज के, तो ये तीनों सही हैं, और श्रीलंका का जो नेशनल एनिमल है वो टाइगर नहीं है, वो एलिफेंट है, इस वजह से ये डिफरेंट हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वी विल सी, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, सैडल पीक नेशनल पार्क अंडमान निकोबार आइलैंड, मॉलिंग नेशनल पार्क ये कहाँ है, तो मॉलिंग नेशनल पार्क जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, फाइंड द मिसिंग एनालॉगस नंबर पेयर, तो 48:2 दिया हुआ है, फिर फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा। ओके लेट्स सी, तो जैसे कि 48 था तो इसमें 8/4 करेंगे तब हो जाएगा 2, सिमिलरली अगर 39 होगा तो इसको करेंगे 9/3 तभी 3 आएगा, किसी और नंबर को करने से ऐसा नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, इन अ सर्टेन कोड डिजिटल इज कोडेड एज 20933, देन हाउ पेंसिल्स कोडेड इन द सेम वे एज। तो देखते हैं, डिजिटल में डी का कोड हो जाएगा 4, आई का कोड हो जाएगा 9 प्लस जी का कोड हो जाएगा 7, फिर आई है यहाँ पे तो आई है 9 ये, फिर उसके बाद टी ए एल, तो टी का हो जाएगा कोड 20, ए का 1 और एल का 12, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 20, 9, 33, तो मीन्स ये जो बीच वाला है इसको नहीं ऐड किया गया है, बाकी जो तीन तीन है डी आई जी और टी ए एल, इन तीनों के जो कोड्स हैं उनको ऐड कर लिया गया है। तो सेम वे में हम लोग पेंसिल के साथ करेंगे, तो पी का जो कोड होता है वो क्या होता है, पी का कोड हो जाएगा 16, पी का कोड 16 हो जाएगा, ई का कोड हो जाएगा 5, जी का कोड हो जाएगा 14, इनको ऐड कर लेंगे तो 35 हो जाएगा। उसके बाद सी का कोड, सी का कोड 3, फिर आई एल एस बचा, आई का कोड होता है 9 प्लस एल का 12 प्लस एस का 15, इनको ऐड कर लेंगे तो 40 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 35340, मींस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग, कितने ट्रायंगल्स हैं इसमें, तो 1, 2 और दिस 3, तो इसमें सिर्फ 3 ट्रायंगल हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, फाइंड द मिसिंग नंबर. मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है. तो 462 एक क्यूब में दिया है, 245 एक क्यूब में दिया है, फिर लास्ट क्यूब में 6 और 3 दिया हुआ है. आपको फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट उसमें क्या होगा, तो 1 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ दिस फिगर. तो इस फिगर का मिरर इमेज क्या होगा, तो इट शुड बी सेम ही होना चाहिए. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 135, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द नंबर विच विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज. तो इस सीरीज में कौन सा क्वेश्चन नंबर के जगह पे आएगा, तो देखते हैं. बी और एच से क्या रिलेशन है, प्लस 6. डी और जे, प्लस 6. फिर अगर प्लस 12 के अकॉर्डिंग जाएं, तो एच में अगर 12 प्लस करेंगे तो आएगा टी, और जे में अगर 12 प्लस करेंगे तो आएगा वी. तो टी वी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136. इसमें इफ 33 प्लस 26 इज 15, देन 42 प्लस 26 इज व्हाट. तो पहले तो ये देखना है कि 33 प्लस 26 15 कैसे हो गया, 24 प्लस 15 11 कैसे हो गया. ओके तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट जो है उसको मल्टीप्लाई किया गया, 3 इंटू 2 किया गया, तो ये हो गया 6, और सेकेंड डिजिट को ऐड कर लिया गया, तो 6 प्लस 3 9 हो गया. इसमें भी फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ही रहेगा, और लास्ट को इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5, और 4 ये 9 हो जाएगा. फिर इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे तो 11 हो जाएगा, इनको आपस में ऐड करेंगे 9 6 15, तो ये 15 हो जाएगा. सिमिलरली इसको करेंगे 4 टू द 8 और 6 टू 8, तो 8 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल कम थर्ड इन द इंग्लिश डिक्शनरी. तो योग जो है वो थर्ड नंबर पे आएगा. फर्स्ट नंबर पे आएगा यार्ड, सेकंड पे योनिंग, थर्ड पे योग, फोर्थ पे यूथ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, एज पुष्कर सिंह धामी इज रिलेटेड टू उत्तराखंड इन द सेम वे सिद्धारमैया इज रिलेटेड टू. तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स की बात हो रही है, तो सिद्धारमैया जो है वो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं. नेक्स्ट, इफ द नंबर 2 एंड नंबर 3 आर इंटरचेंज देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन. ओके, 2 और 3 को इंटरचेंज कर दिया जाए, मींस 3 की प्लेस पे 2 को रख दिया जाए और 2 की प्लेस पे 3 को रख दिया जाए, तो क्या होगा. तो इसका आंसर हो जाएगा 88, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा. आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज. इसमें रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है. ओके, तो 26 है, 26 बाय 2 करेंगे, 26 बाय 2, तो ये हो जाएगा 13, 13 प्लस 3 हो जाएगा 16. फिर सिमिलरली करेंगे 16 के साथ, तो 16 बाय 2 हो जाएगा 8, और उसमें 4 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 12. सिमिलरली 12 के साथ करेंगे, 12 बाय 2, यह आ जाएगा 6 प्लस 5, तो मिलेगा हमें 11. नेक्स्ट 11 के साथ सिमिलरली करेंगे, 11 बाय 2, तो हमको मिलेगा 5.5, और उसमें 6 ऐड करेंगे तो 11.5 मिलना चाहिए, ना कि 13 मिलना चाहिए. तो 13 जो है इस सीरीज में रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा. तो ये जीएस का कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन. अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. 60 क्वेश्चन हिंदी के हैं, तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर ए, अनुग्रह, अनभिज्ञ, उदात, इन तीनों वर्ड्स के लिए विलोम का चयन करना है. इसका विलोम क्या होगा, तो अनुग्रह का होगा विग्रह, अनभिज्ञ का होगा अभिज्ञ, उदात्त का होगा अनुदात, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से अशुद्ध की तलाश करें. आमिष, निरामिष, ध्वांत, असित, रौरव, मनोहर, आकलन, विकलन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मींस अशुद्ध जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ध्वांत और असित ये दोनों ही अंधकार के पर्यायवाची हैं, ये दोनों आपस में विलोम नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से शुद्ध की तलाश करें. खेचर, नभचर, निस्सार, संचार, प्रभा, तिमिर, विज्ञ, अभिज्ञ, तो ये सब समानार्थी ही दिए हुए हैं, सिर्फ सी जो है ये आपस में विलोम है. क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा युग्म गलत है. कुसुम, वज्र, मानवता, निश्रंसता, उन्मुख, अभिमुख, मंडन, खंडन, तो इसमें से कौन सा गलत है, सी जो है वो गलत है. उन्मुख विमुख होता है, अभिमुख नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 5, विलोम युग्मों में से गलत की पहचान करें. प्राची, प्रतीची, वायव्य, आग्नेय, उदीची, परीची, नैऋत्य, ईशान, तो इसमें से गलत विलोम युग्म कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि उदीची होती है उत्तर की दिशा, तो दक्षिण की दिशा पूछी है तो दक्षिण की दिशा होती है अवाची, ना कि परीची, इस वजह से ये रॉन्ग है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, समास शब्द का सर्वथा अनुकूल विलोम व्यास होता है, परंतु यदि व्यास विकल्प में उपस्थित ना हो तब आप किसे वरीयता देंगे. तो फिर हम वरीयता देंगे आस्तार को, क्योंकि आस्तार का मतलब होता है फैलाना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रसूति और
व्रतती जैसे शब्द परस्पर समानार्थक हैं, इनका उचित विलोम खोजिए। तो इसका उचित विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समास, क्योंकि प्रसृति और व्रतती इसका मतलब होता है फैलाना और समास मत्लब होता है उसको संकुचित करना। प्रवत्स्य पतिका का उचित विलोम होगा, प्रवत्स्य पतिका मतलब जिसका पति विदेश जाने वाला हो, तो उसका हो जाएगा जो विदेश से आने वाला हो, आगमिष्य पतिका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुक्ष शब्द हेतु उचित विलोम नहीं है, तो रुक्ष के लिए उचित विलोम नहीं है, तो लोटनिक नहीं है, लोटनिक का मतलब होता है लोटने या लुढ़कने वाला। नेक्स्ट, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से शुद्ध का चयन करें, विनत, अवनत, उत्कर्ष, निकर्ष, नत, उन्नत, रथी, मंडन, तो शुद्ध का चयन करना है, करेक्ट कौन सा है, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, असित शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा, काले रंग का, शनि का, असुर का, बुराई का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असित, असुर का पर्यायवाची नहीं होगा, बाकी सभी का होगा। पाथोस शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा, वन रूह, आस्य पत्र, दिवाटन, श्रीवासक, तो दिवाटन जो है ये पाथोज का नहीं होगा, बाकी सारे जो है ये कमल के पर्यायवाची हैं, पाथोज भी कमल का पर्यायवाची है और दिवाटन जो है ये कबूतर का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कौवा का पर्यायवाची शब्द धूलि, जंग, महालोल, वायस, तो ये चारों ही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14, पारावत और परेवा जैसे शब्द का पर्याय है, पिशुन के, एकादशी के, ताम्र चक्षु के, पूर्णिमा के, तो ऑप्शन नंबर सी ताम्र चक्षु के पर्याय हैं और ताम्र चक्षु क्या होता है, ये कबूतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, रक्त टुंड और कीर शब्द पर्याय हैं, शुक के, मदन शलाका के, रक्त चंचु के, तथा ए और सी दोनों के, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, मींस शुक और रक्त चंचु ये तोता होता है, तो ये रक्त टुंड और कीर का पर्यायवाची है, मदन शलाका ये कोयल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हुत भुक शब्द का उचित समानार्थी शब्द होगा, तो हुत भुक जो है ये अग्नि को कहते हैं, तो वैश्वा नर अग्नि का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 17, कला केतु, मरीच और मयूख ये किसके पर्यायवाची हैं, तो ये किरण के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, ऐच्छिक का पर्यायवाची नहीं होगा, तो ऐच्छिक का पर्यायवाची नहीं होगा, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ऐहिक नहीं होगा। नेक्स्ट, सारंग शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा शतावरी, सारंग जो है रंग युक्त जो हो, तो कपूर, फूल, कमल, तो शतावरी इसका पर्यायवाची नहीं है। भगवान गणेश के लिए कौन सा शब्द पर्याय नहीं होगा, तो सहस्त्राक्ष जो है ये इंद्र का पर्यायवाची है, ये भगवान गणेश के लिए नहीं होगा, बाकी भालचंद्र, दुर्जा और हेरंब श्री गणेश के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कैलाश, क्योंकि ये छोटा सा होता है, कैलाश लिखा जाता है। नेक्स्ट, वानर जूथ उद्ग्रीव होकर हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहा था, रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी होगी, तो इसकी शुद्ध वर्तनी होगी उद्ग्रीव होकर, मीन्स ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करें, अजस्त्र, अंतस्थलीय, अस्पृश्यता, रुद्र, तो कौन सा इसमें से करेक्ट है, तो इसमें करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी अंतस्थलीय। अजस्त्र, अजस्त्र नहीं, अजस्त्र होता है सा में ही रा लगेगा, ता अलग से नहीं आएगा, अस्पृश्यता में सब सही है बट षटकोर शा की जगह ये शा आएगा, रुद्र नहीं होता है, ये रा पे मात्रा पे ध्यान दीजिएगा, रुद्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करें, समूचे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई, संपूर्ण भारत में खुशी की लहर दौड़ गई, पूरे भारत भर में खुशी की लहर दौड़ गई, सकल भारत भर में खुशी की लहर दौड़ गई, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, संपूर्ण भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। क्वेश्चन नंबर 25, हमारा विचार यही है, तो ये जो है रॉन्ग है, इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा विचार यही है, बाकी सारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध का चयन करें, उसने समय पर पहुंचना है, उसे समय पर पहुंचना है, उसे समय पर पहुंचना है, उसे समय पर पहुंचाना है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उसे समय पर पहुंचना है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी मिष्टान्न ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं, हम लोग कई बार ऐसा लिखा हुआ देखते हैं बट ये रॉन्ग है, करेक्ट है मिष्टान्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें, मेरे घर में केवल एक चपरासी है, मेरे घर में केवल मात्र एक चपरासी है, मेरे घर में केवल एकमात्र चपरासी है, मेरे घर में एकमात्र केवल चपरासी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेरे घर में केवल एक चपरासी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए, प्रियंवदा, स्वयंवर, रीत्यानुसार, महत्व, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीत्यानुसार नहीं होता है, रीत्यनुसार होता है, या पे आ की मात्रा नहीं होगी तब ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वथा शुद्ध का चयन करें,
उसने एक मोती का हार खरीदा, उसने मोतियों का एक हार खरीदा, उसने मोतियों का खरीदा हार, उसने एक मोती हार खरीदा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उसने मोतियों का एक हार खरीदा। आपाद मस्तक दुष्कर्मों में संलिप्त, तो इसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा पाप निमज्जित। नेक्स्ट, जो सदा शुभदायक हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सदाशिव। अनिर्वचनीय तारों की दुनिया में तुम सबसे चमकता सितारा हो, इसका एक वर्ड में बताना है ये किसके लिए है, वाक्यांश कौन सा हो जाएगा इसमें, तो सी हो जाएगा, जो वचन या वाणी में व्यक्त ना हो सके, अनिर्वचनीय। आत्मख्यातिवाद का उचित अर्थ होगा, तो इसका उचित अर्थ होगा जहां ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का भेद समाप्त हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, थोड़ी सी वस्तु जरा सा जैसे वाक्य खंड हेतु हिंदी का एक गरिष्ठ शब्द चुनिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यत किंचित। नेक्स्ट, ऐसी वस्तु जो आंखों के सम्मुख साकार सायास प्रेक्षण हेतु उपस्थित हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हस्ता मलक। नेक्स्ट, हिंद महासागर के ऊपर निर्मित वात्याचक्र भूवैज्ञानिकों तथा पर्यावरणविदों हेतु कौतूहल का केंद्र बना है, वात्याचक्र से क्या तात्पर्य है, तो वात्याचक्र से तात्पर्य है यहाँ वायु का चक्राकार वृहत स्वरूप। नेक्स्ट, वात्सरिक शब्द का उचित अर्थ है जो वार्षिक आय व्यय का आकलन करता हो, ऐसा व्यक्ति जो वर्ण विधान में निपुण हो, एक दैवज्ञ जो संपूर्ण कालचक्र का ज्ञाता हो, या फिर उपरोक्त सभी, तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा वात्सरिक, एक दैवज्ञ जो संपूर्ण कालचक्र का ज्ञाता हो। क्वेश्चन नंबर 39, ऐसा व्यक्ति जिसके नेत्र देखने में सक्षम ना हो, चाक्षुक चक्षुत्राणी निश्चक्षु निश्नेत्री, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निश्चक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, सिंह के अयाल के समान झबरे घुंघराले केशों वाला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्बरीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव है, तो इसमें से तद्भव फाइंड आउट करना है, तो खैर जो है ये तद्भव है, बाकी सारे स्तंभ खद्वा खटवा खादिर ये सब तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, चौखट का तत्सम शब्द है, तो चौखट का चतुष्काष्ठ ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है, तो इसमें तद्भव फाइंड आउट करना है, तो ऑप्शन नंबर डी छाजन, इसका तत्सम होता है छत्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से गलत की पहचान करें, तो इसमें गलत जो है वो है ऑप्शन नंबर डी परवल का होता है पटोला तत्सम, ना कि पर्वत कम पटोला। नेक्स्ट, वृंतक के लिए उचित तद्भव का चयन करें, तो इसके लिए उचित तद्भव है बैंगन। पाटलम एक तत्सम शब्द है, इसका हिंदी अर्थ होगा, तो इसका अर्थ होगा बी और सी दोनों, मीन्स गुलाब और गुलाबी रंग पाटलम। विकसित एक अर्ध तत्सम शब्द है, इसका संस्कृत मूल क्या है, तो इसका संस्कृत मूल है विक्चम ऑप्शन नंबर बी। दशांगुलम एक तत्सम शब्द है, इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है डी यानी कि खरबूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, बीमार व्यक्ति को मौसम्बी या मौसम्मी का रस पिलाओ, इस शब्द का तत्सम क्या होगा, तो इसका तत्सम होता है ऑप्शन नंबर बी मतलुडगम। नेक्स्ट, बद्री फलम और धुकरकट तत्सम शब्द युग्मों हेतु तद्भव जोड़े का चयन करें, तो डी हो जाएगा, बद्री फलम का पेड़ हो जाएगा, धुकरकट का चकोतरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण नहीं है, अनुपम अनन्य भक्ति गगनचुंबी, तो कौन इसमें विशेषण नहीं है, तो भक्ति जो है ये विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में विशेष्य है, चहेता छवि चंचल चंगा, तो छवि जो है ये विशेष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, कुटिल मंथरा ने भ्रमित कैकेयी की बुद्धि पर लोभ का आवरण ही डाल दिया, तो यहाँ पे कितने विशेषण हैं, तो दो विशेषण हैं, कौन कौन से, कुटिल और भ्रमित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, होली फाल्गुन माह में मनाई जाती है, तो इसमें कौन सा विशेषण शब्द है, तो फाल्गुन जो है ये विशेषण है क्योंकि ये माह की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में विशेषण शब्द है, विकल्प वियोग विलासी विलास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विलासी। क्वेश्चन नंबर 56, थोड़ा धन इस वाक्य खंड में कैसा विशेषण प्रयुक्त हुआ है, निश्चित परिमाणवाचक अनिश्चित परिमाणवाचक अनिश्चित संख्यावाचक या निश्चित संख्यावाचक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनिश्चित परिमाणवाचक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में विशेष्य शब्द है, तीखापन तीखा सुंदर दबंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीखापन, ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट 58, अशुद्ध युग्म का चयन करें, ऋषि आश अनुशंसा अनुशासन आराधना आराध्य अनुपात अनुपातिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में विशेषण नहीं है, क्वेश्चन नंबर 59, गवार गांव गवारू गवाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांव, ये विशेष्य है। क्वेश्चन नंबर 60 इज द लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में विशेष्य की पहचान करें, ज्ञापन ज्ञापित ज्ञातव्य त्रस्त, ये तीनों ही विशेषण है, ज्ञापन जो है विशेष्य है। तो आज जो है सेट वन हमारा कंप्लीट हो जा रहा है टेस्ट सीरीज का हिंदी और जीएस के साथ में, तो अगर जिसने भी पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप जाकर के पार्ट वन और पार्ट टू देख लें, पार्ट थ्री में
लास्ट के 40 क्वेश्चंस और हिंदी का 60 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में हमें अपना एक्सपीरियंस बताइए जिससे हम और सुधार कर सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।